वेलकम टू आवर YouTube चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेड क्वीन हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, रेड क्वीन हाइपोथेसिस जो है जनरली इवोल्यूशन में आता है, राइट right? और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार सेक्शन बी में, कई बार सेक्शन सी में। वी विल डिस्कस अबाउट दोज क्वेश्चंस टू इन द लास्ट स्लाइड। ओके, ये रेड क्वीन हाइपोथेसिस जो है वो 1973 में ले वैन वेलेन ने जो है दिया था, राइट अब ये हाइपोथेसिस क्या कहता है? दैट स्पीशीज कॉन्टिन्यू टू चेंज टू कीप अप विद कॉम्पिटिशन, राइट। जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, राइट, जैसे जैसे टाइम बीतेगा उनको इवॉल्व होना ज़रूरी है, अपने अंदर चेंजेस लाने ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समय आएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे दुनिया से, राइट। अपना ही कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए, कहते हैं नॉर्मली कि डे टू डे लाइफ में जैसे चेंजेस आ रहे हैं हमें भी वैसे अडेप्ट करने चाहिए, राइट, अदरवाइज बहुत लैकिंग हो जाएंगे, हम लैक करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत पीछे हो जाएंगे, राइट। टेक्नोलॉजी वाइज ले लीजिए, स्टडीज वाइज ले लीजिए, फैशन वाइज ले लीजिए, कुछ भी हो, राइट। तो अगर और ऑर्गेनिजम्स की बात करें देन दे नीड टू चेंज टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ अ स्पीशीज वुड स्टॉप चेंजिंग मतलब अडेप्टेशन नहीं कर पा रही या उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, इट वुड लूज कॉम्पिटिशन विद द अदर स्पीशीज, जो उसकी को इवॉल्विंग स्पीशीज है उसके साथ कॉम्पिटिशन लूज कर देगी, राइट right? दूसरा वाला आगे निकल जाएगा जो कि चेंज कॉन्टिन्यू रख रहा है अपने अंदर में, एंड अल्टीमेटली इट विल नॉट एबल टू सर्वाइव, राइट। अब एक ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि रेड क्वीन नाम क्यों दिया? हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एक धारणा है ऐसी, या ऐसा एक मानना है, एक साइंटिफिक थ्योरी है। रेड क्वीन मीन्स सुपीरियरिटी से रिलेटेड किया गया है इस चीज़ को, राइट। अब जैसे क्वींस होते हैं, किंग्स होते हैं, राइट, उनमें क्या होता है, अपनी आर्म फोर्सेस को और सुपीरियर बनाने की वो होती है। आर्म फोर्सेस मतलब नेशंस के बीच में कंपटीशन होता है सुपीरियरिटी के लिए, अब वो डेवलपमेंट के केसेस में हो या फिर वेपन्स, अच्छे अच्छे वेपन्स होने चाहिए उस केसेस में हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो, कैसे भी हो, राइट। उसी तरीके से ये हाइपोथेसिस कहता है कि नेचर में भी कॉन्स्टेंट आर्म रेसेस चलती हैं, किसमें? बिटवीन को इवॉल्विंग स्पीशीज, जो एक साथ इवॉल्व हो रही है स्पीशीज उनमें, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम होस्ट और पैरासाइट का जो है को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों का टर्म्स का मतलब आपको पता होगा, राइट। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ को एवोल्यूशन विच इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल अडेप्टिव चेंजेस ऑफ टू एंटागोनिस्ट थ्रू सेलेक्टिव प्रेशर। अब देखिए, बहुत ध्यान से आपको एक वर्ड समझना है, कुछ भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत सारी चीजें आती हैं बीच में। स्पेशल केस है को एवोल्यूशन का, इसमें क्या है, रेसिप्रोकल अडेप्टिव चेंजेस है। रेसिप्रोकल अडेप्टिव चेंजेस का मतलब समझ रहे हैं? अगर एक चेंज हो, एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज होगा, तभी कंपटीशन मेंटेन रहेगा और इवॉल्व होते रहेंगे। ऑफ टू एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब भी टर्म्स पता होगी, जहाँ कंपटीशन रहता है, थ्रू सेलेक्टिव प्रेशर। अभी सेलेक्टिव प्रेशर क्या है? अब वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है, फूड की अवेलेबिलिटी का हो सकता है, क्लाइमेटिक फैक्टर का हो सकता है, कोई भी सेलेक्टिव प्रेशर जो है उन पर पड़ रहा है। और अच्छे से देखते हैं, देर जैसे कि अब होस्ट पर प्रेशर क्या है? होस्ट पर प्रेशर ये है कि मैं अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लूँ कि पैरासाइट मुझे इन्फेक्ट ना कर पाए, राइट।
बिकॉज अल्टीमेट एम क्या है, सर्वाइव करने का एम है, एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की थ्योरी आपको पता होगी, राइट. अब होस्ट चाहता है कि रेजिस्टेंट हो जाए पैरासाइट से, और पैरासाइट पे क्या प्रेशर है कि इस तरीके के वेज इवॉल्व किए जाए कि होस्ट के रेजिस्टेंस से जो है कॉप आउट करा जा सके, राइट. तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल अडेप्टिव चेंजेस दिखा रहे हैं टू इवॉल्व टू कॉन्टिन्यू विद देयर जनरेशंस, राइट. तो दैट इज ऑल्सो वेरी नीडेड, ये बहुत ज़रूरी भी है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखने के लिए, इवॉल्व करते रहने के लिए, राइट. और एग्जांपल देखते हैं. ये देखिए, प्रीडेटर एंड प्रे, प्रे इज व्हाट, शिकार, प्रीडेटर इज व्हाट, शिकारी, राइट. इफ प्रे स्पीशीज इवॉल्व्स टू बिकम मोर फास्टर, अगर प्रे स्पीशीज के अंदर इस तरीके के जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं कोई भी एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से, सेलेक्टिव प्रेशर की वजह से, या बिकॉज हर कोई बचने की कोशिश करेगा, राइट. वो यही चाहेगा कि मैं सर्वाइव करता रहूँ, मुझे किसी तरीके से नुकसान ना हो. इवॉल्विंग पैटर्न में, कॉम्पिटिशन पैटर्न में, अडेप्टेशन पैटर्न में अगर इस तरीके के चेंजेस आते हैं कि प्रे स्पीशीज फास्टर हो जाती है, तो उसकी उसी के हिसाब से प्रीडेटर को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि प्रे क्या है, उसका फूड सोर्स है, राइट. अदरवाइज द फास्ट प्रे विल एस्केप एंड द प्रीडेटर विल लूज फूड सोर्स एंड अल्टीमेटली बिकम एक्सटिंक्ट ओवर टाइम. जब खाना ही नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स क्या है, उसका अल्टीमेट सोर्स, मेन सोर्स वही है, राइट. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट चेंज. अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही, इवोल्यूशन में बहुत धीमी गति से जो है चीज़ें बढ़ती हैं, बहुत धीरे जो है चेंजेस आते हैं. कॉन्स्टेंट चेंज चलता रहता है बहुत सारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के अंदर, राइट. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट चेंज विद स्मॉलर अडेप्टेशन एक्यूमुलेटिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अडेप्टेशन की कहानी है सारी के सारी, राइट. और उसी के हिसाब से जो है इवॉल्व होते चले जा रहे हैं और चेंजेस आते चले जा रहे हैं, राइट. अब एक बात आती है कि अगर हम डीप में थोड़ा एनालिसिस करें तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड क्वीन हाइपोथेसिस, राइट. अब रेड क्वीन हाइपोथेसिस यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग, ये फंडा जो है एक्सप्लेन करने में काम आता है कौन से फिनोमिनन्स, कौन से प्रोसेसेस को, सेक्सुअल सिलेक्शन सबसे पहली बात. क्योंकि देखो, सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, इस तरीके के जीन्स या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के हिसाब से इस नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, नई वेराइटीज बन रही है, रिकॉम्बिनेशन जब हो रहा है जीन्स का, राइट. अब हो सकता है जो नई वेराइटी निकल कर आई है उसके अंदर कोई और नई एडवांटेज हो, राइट. साथ में जेनेटिक डाइवर्सिटी उसी से ही इंटर रिलेटेड है. जीन पूल में जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है, वैरायटी जो है, वो देखने को मिलती है. इसी की तरह से ये लिंक है, चेंज होता जा रहा है, राइट. नई नई जो है स्पीशीज सामने निकल कर आ रही है विद न्यू कॉम्बिनेशंस, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. साथ के साथ स्पीड ऑफ इवोल्यूशन को तो ऑब्वियसली डिफाइन करता है, राइट. ओके, साथ के साथ आप ये भी देखिए, जो स्पीशीज क्विकर जनरेशन टाइम रखती हैं, राइट. कैसे स्पीड को, एवोल्यूशन को कैसे हम पूरा, अगर हम इसमें भी बहुत सारे सब एस्पेक्ट्स देखें तो देख सकते हैं, केवल एक नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब एस्पेक्ट्स हैं. अगर हम स्पीड ऑफ एवोल्यूशन को कैलकुलेट करने बैठे तो इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. अब जो क्विकर जनरेशन टाइम है, जो बहुत जल्दी जनरेट कर जाते हैं, उनके पास क्या है, फास्टर इवॉल्व होने की कैपेबिलिटी है, राइट. जिससे कि उनको आर्म रेस में भी एडवांटेज मिलती है. वायरसेस को ले लीजिए, कितनी जल्दी इवॉल्व होते हैं, और वो इवॉल्विंग पैटर्न जो होता है उनका म्यूटेशंस की वजह, म्यूटेशंस होता है, राइट. सरफेस प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड में भी म्यूटेशन हो गया देन इट विल चेंज आउट, राइट. पूरा मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है. और आरएनए वायरसेस की स्पीड तो और भी ज़्यादा है इवॉल्विंग पैटर्न देखा जाए तो उनका, राइट. तो इस तरीके से स्पीड ऑफ इवोल्यूशन की क्या पेस है वो भी हम देख सकते हैं इस
हाइपोथेसिस के हिसाब से। और एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जो है ये एक न्यूजीलैंड में स्नेल पाया जाता है वाटर में, फ्रेश वाटर में, दैट इज पोटेमो पाइग्रस एंटीपोडारम, राइट। अब राइट हैंडेड राइट कॉइल्ड जो है स्नेल है। अब स्नेल की क्या एक स्पेशल फीचर क्या है इसका, कि इसमें दोनों तरीके की जो है सेक्शुअल मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है। ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्शुअल से भी करते हैं। अब ऐसा क्यों, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न तो हो गई। ऐसा इसलिए कि जो पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं इनके, राइट, एक्वेटिक लाइफ में जो इनके पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं, दैट टेंड टू इन्फेक्ट द कॉलोनीज ऑफ द दीज स्नेल्स मोर, राइट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से स्नेल्स आए हैं, वहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन पाया जाता है पैरासाइट्स का एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल वंस, राइट। कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल में टॉलरेटिंग पावर होगी ना, राइट, जो नेचुरल चीज़ को डिफाइन कर, राइट, और बचा रही है पैरासाइट्स से। तो पैरासाइट्स एंड दीज स्नेल्स आर को इवॉल्विंग स्पीशीज, राइट, वहीं पर ही प्रेजेंट है, इंटरैक्शन भी होता रहता है। तो ये इस तरीके की एक जो है इवॉल्विंग कैपेबिलिटी आ गई कि ये डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिला। दूसरा एग्जांपल, अगर हम बहुत अच्छा एग्जांपल लें तो लेमार्क साइंटिस्ट ने भी इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज जो है वो दी थी, जिराफ नेक कोएवोल्यूशन विद एकेशिया ट्रीज, राइट। अब जिराफ की लॉन्ग नेक देखें तो दैट इज़ अ परफेक्ट अडेप्टेशन टू द एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट, राइट। अब क्लियरली जो है जिराफ इवॉल्व दिस अनकॉमन एंड हेल्पफुल ट्रेट, वाई, इन ऑर्डर टू रीच द नरिशिंग लीव्स। अब एकेशिया का ट्री जो होता है बहुत लंबा होता है, राइट, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है अडेप्टेशन ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ adaptation, right? In order to reach the nourishing leaves, right? उसको चाहिए, that's how the natural selection work, right? Nature, power, वही है। समझ रहे हैं आप बात को, right? Okay. अभी कुछ मैंने examples जो है लिए हैं previous year question papers में से, देखिए mostly तो दो तो जो कुछ इनफैक्ट तीनों ही क्वेश्चन सेक्शन सी के हैं, राइट। द रेड क्वीन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, बता सकते हैं, सीधा सीधा बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, राइट, ट्राई टू सॉल्व इट। नेक्स्ट, द लॉन्ग फैदर ट्रेन ऑफ अ पीकॉक इज कॉटेड एन एग्जाम्पल सपोर्टिंग वॉट, फाइंड आउट। नेक्स्ट इज वॉट, द आइडिया दैट एन एल्ट्रिस्टिक जीन विल बी फेवर्ड इफ आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी, where R is the coefficient of relatedness and B is the benefit to the recipient of altruism and C is the cost of the donor, right? अब ये हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें भी, right? Altruistic behavior बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। अब देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन रेड क्वीन हाइपोथेसिस से रिलेटेड नहीं है, राइट, हैमिल्टन रूल्स है इसका आंसर, बट पता कैसे होगा आपको? बाय द वे, आपको हैमिल्टन रूल नहीं पता और रेड क्वीन हाइपोथेसिस भी नहीं पता, हैंडीकैप प्रिंसिपल और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आप जानते हैं, तो देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में से एक के बारे में भी जानते होंगे, रेड क्वीन हाइपोथेसिस और हैमिल्टन रूल, तो सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्या होता है रेड क्वीन हाइपोथेसिस या इसके एग्जांपल क्या है, किससे रिलेटेड है, वो चीज़ उठ के आए, कहीं पर भी दे सकते हैं, रूल्स में तो ऐसा ही देते हैं, राइट, इवोल्यूशन के, इकोलॉजी के जो रूल्स हैं मिक्सअप करके ही देते हैं, तो पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो रेड क्वीन हाइपोथेसिस से रिलेटेड होंगे या आए होंगे, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम टू, राइट, गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो द वीडियो, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.